काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मोथा पंचायत में है और इस वक्त हमारे साथ काराकाट विधानसभा संयोजक हैं और इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी और कैसे हो रहा है। लोकसभा के लिए हम लोग पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए तैयारी किए हुए हैं। 2047 विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है और मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी को लेकर के गांव में जा रहे हैं और पूरे मतदाताओं का जोश खरोश के साथ क्या कहते हैं सम्मान और सहयोग मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। इसकी तैयारी हम लोग बूथ स्तर पर, यहाँ तक हम लोग पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं। 60 मतदाताओं का एक पन्ना होता है जिसका हम लोग प्रमुख बनाए हुए हैं और प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक शक्ति केंद्र बूथ पर हम लोगों की पूरी तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा का जीत का माने नरेंद्र मोदी की जीत। विपक्ष द्वारा लगातार बताया जा रहा है एनडीए की तरफ से कोई विकास नहीं हो, इस पर क्या कहा? एनडीए की वजह से विकास नहीं हो रहा है, उन लोगों को जिनका चश्मा जो है से पूरी तरह फूटा हुआ है और जिनका चश्मा पूरी तरह ठीक है उनको दिखाई पड़ेगा। आप पत्रकार लोग हैं, आप आए होंगे तो कहीं गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाना होगा। ब्रेक दिन रात जो है सो जिनकी चश्मा फूटी हुई है, जिनको नहीं लोक रहा है कि 5 किलो फ्री राशन मिल रहा है, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 24 घंटे बिजली फ्री है, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 60 साल के ऊपर वाले को 400 रुपया जो है पेंशन मिल रहा है, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2000 रुपया जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से मिल रहा है, जो जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी को दवा के लिए फ्री मिल रहा है, वो कौन सा विकास चाहिए? विकास वही चाहिए कि पुराने समय में जो है दिन रात मर्डर हो, दिन रात दारू बिके, वैसे लोगों को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। विकास तो हो रहा है लगातार। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है अगर एनडीए की सरकार फिर बनती है तो संविधान खतरे में, संविधान को चेंज कर दे। संविधान का खतरा इन लोगों के राज में था। हमने अंबेडकर को जो है सो भारत रत्न की उपाधि दी, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी, इन लोगों के संविधान में खतरा है। इन लोगों ने अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित करके और अंबेडकर को हराया था। संविधान निर्माता अंबेडकर थे, अंबेडकर के खिलाफ किसने उम्मीदवार खड़ा किया? हमने। अम्बेडकर खिलाफ तो भारत रत्न हमने दिया और अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जो है उम्मीदवार दिया और कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर को हराया। इसलिए हम संविधान, इतना ही नहीं हम संविधान दिवस मनाते हैं। हम 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी के राज में संविधान दिवस मनाते हैं, ये लोग कहा था। इसलिए हम संविधान के रक्षक हैं और नरेंद्र मोदी जब तक है संविधान को कोई छू नहीं सकता।